हमारे ये ढाई माह का लार्वा हो गया। ये ढाई माह का लार्वा हो चुका है, ये तैयार है अभी पूरा। हाँ जी तैयार है, इसको आप बेशक मुर्गियों को खिलाएं, मछलियों को, फिंचेस को, सब बड़े शौक से खाते हैं। ये किस चीज को चिपके हुए हैं? ये कद्दू हमने डाला है ना इनको वाटर। अच्छा, इसको खाना खा रहे हैं वाटर सोर्स का पूरा करने के लिए। देखे ओए होए होए, ये कद्दू खा रहे हैं और साथ में गंदम का चोकर कर रहे हैं। देखें ये सारा का सारा प्यूपा है और ये बिल्कुल एक एलियन की शक्ल ले चुका हुआ है, बड़ा ही अजीबो गरीब सा। हाँ जी, ये तकरीबन इसके 5 से 7 दिन के अंदर इसमें से ना बीटल अपीयर हो जाता है, सिर्फ 5 से 7 दिन। हाँ। ये चेक करें ना, ये देखें। आज बंदा ऑस्ट्रेलिया से आया है स्पेशली और वो उसने कम से कम जो है ना 10 मिलियन का प्रोजेक्ट लगाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। देखो, मुर्गी के लिए, चिड़ियों के लिए, तोतों के लिए, किसी भी बर्ड के लिए जो हम लोग घर में गंद डाल के सूंडियां पाल देते हैं, उससे अब छूट जाएगी जान। जब भी दिखाएंगे अच्छा दिखाएंगे, क्वांटिटी में दिखाएंगे। ये सारी की सारी प्रोटेक्शन हो रही है मील वॉर्म्स की, जितना चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, 3000, 50000 चाहिए, वो भी मिलेगा। कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, खुद कैसे प्रोटेक्शन करवा सकते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए। शुरू से लेकर एंड तक पूरा इनका लाइफ सर्कल दिखाया जाएगा। साथ बने रहो, लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हमारे साथ उमर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं शुक्र भाई। मैं समझा था 4-5 डब्बे रख के खाली खाली बैठे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डब्बा भी ऐसा नहीं है जहां पर माल नहीं है। ये चेक करें जरा, ये देखें। हर रैक के अंदर कितना कितना होगा? ये 2000 पीस है कम से कम बीटल का और 10000 पीस है मील वॉर्म का। लेकिन पता क्या करते हैं हम, शुरू से दिखाएंगे मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। वैसे दिखाएंगे बीटल पहले आया या फूंडी पहले आई। पहले सूंडी आई। सूंडी पहले आई। कहाँ से शुरू होगी हमारी प्रोडक्शन? ये हमारी प्रोडक्शन यहाँ से शुरू होगी। पहले अंडा आया कि सूंडी आई? पहले सूंडी आई। अंडे से शुरू करेंगे ना? अंडे से बाद में, आप अंडे वापस, हम अंडे पे आएंगे। अच्छा ठीक है जी, शुरू करने लगे हम लोग अपनी जर्नी। आप लोग पॉपकॉर्न पकड़ के बैठ जाओ, लेकिन ये देखते हुए पॉपकॉर्न खाने का आपका दिल तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी पॉपकॉर्न पकड़ के बैठ जाओ और हमारी वीडियो को एंजॉय करो जी। उमर भाई सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आया मील वॉर्म आया। ठीक है, ये मील वॉर्म के बाद अगर आप देखेंगे ककून की तरह। मील वॉर्म थोड़ा सा गाइड करते हैं क्या चीज? मीलवॉर्म ये प्रोटीन से भरपूर लार्वा होता है, ये मुर्गियों की, मछलियों की खुराक है, इवन के ये इंसानों की भी खुराक बन गई है। दो साल पहले यूरोपीय यूनियन ने इसको रेगुलेट कर दिया कि इंसान भी खाए, बॉडी बिल्डर भी खा सकते। बिल्कुल, मैं इसकी पूरी रिसर्च करके आ रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम्स के लिए नहीं है ये। मुस्लिम्स के लिए नहीं है, लेकिन हम अपनी पोल्ट्री को एक अच्छी डाइट दे सकते हैं, तो ये सारी जद्दोजहद इसलिए ठीक है प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं भाईजान, ये है प्रॉपर तैयार लार्वा जो कि हम लोग अपने चिड़ियों को, तोतों को, उसके अलावा किस चीज को चलता है, ये मुर्गी को मछली को आप ये डाल सकते हैं और ये वो बड़े शौक से खाती हैं। सही है जी। सबसे पहले लार्वा, ये कितनी उम्र का लार्वा है? ये तकरीबन 2.5 माह का। अच्छा, इसका अगला प्रोसेस क्या है? ये लार्वा 15 दिन के बाद ना प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। प्यूपा दिखाएं इसमें, प्यूपा लगा, हमने सेटअप एक लगाया, वो दिखाते हैं प्यूपा। प्यूपा आपको मैं दिखाता हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं प्यूपा की तरफ। लार्वा आप लोगों ने देख लिया, सबसे पहले होता है लार्वा जो आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उसके बाद आएगा प्यूपा। अब इसको कहते हैं प्यूपा, ये देखें जी, ये सारा डेड कह सकते हैं, मेटाफोर्स स्टेज के अंदर सो गया हुआ है, ये सोया हुआ है। इसके अंदर से अभी आपको काले कलर के कीड़े निकलेंगे जिनको बीटल्स कहते हैं। ये देखें, ये सारा का सारा प्यूपा है और ये बिल्कुल एक एलियन की शक्ल ले चुका हुआ है, बड़ा ही अजीबो गरीब सा। हाँ जी, ये तकरीबन इसके 5 से 7 दिन के अंदर इसमें से ना बीटल अपीयर हो जाता है, सिर्फ 5 से 7 दिन। हाँ जी, ये भी यानी कि अपनी सोया हुआ है, समझे आप। क्या ये भी अभी बर्ड्स को डाला जा सकता है? ये भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ये प्यूपा कितनी क्वांटिटी में है? ये इस वक्त कम से कम भी 4000 पीस होगा इसके अंदर। 4000 पीस प्यूपा का लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है इसके बाद? प्यूपा के बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रोसीजर अगर आप ये देखें, हमने टिश्यू पेपर रख दिए। ये क्यों रखे हैं? टिश्यू क्यों रखे? पहले इसका रीजन बताएं। इसका रीजन ये देखें, कीड़े निकलने लग गए। हाँ, ये देखें, ये रेड कलर के बीटल हैं, पर बाहर तो काले थे, ये काले हैं। ये क्या सीन है? मेल फीमेल? नहीं, ये जब ये ताजे निकलते हैं ना, 3 दिन तक ये लाइट कलर में होते हैं। 3 दिन तक लाइट कलर में रहेंगे? जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है ना, ये ब्लैक होने लग जाएंगे। मतलब कि अभी एग्स की कंडीशन में अभी तक आए नहीं है? नहीं, अभी 3 दिन में ये ब्रीडिंग करेंगे। ये देखें, इसके नीचे भी काफी सारे होंगे। हाँ यार, ये व्हाइट भी है इसके अंदर। व्हाइट शुरू में जो बिल्कुल अभी अभी निकला ना, वो व्हाइट होगा, शाम तक ये ब्राउन हो जाएगा और कल तक ये डार्क ब्राउन होगा और तीसरे दिन ये फुल ब्लैक हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ फुल ब्लैक। पहले हम बताते चले, वहाँ पे हमने रहा लार्वा, लार्वा के बाद बना प्यूपा जो किया यहाँ पे शिफ्ट। प्यूपा के बाद बना यहाँ पे ये सारा सेटअप जो लगा हुआ है बीटल का, जो कलरफुल निकला बीटल, अभी निकल रहा है, इसके नीचे सारा बीटल है। बीटल के बाद अब आ जाते हैं ये क्या? ये उसका ब्रीडिंग सेटअप आ गया। ये प्योर बीटल अब रेडी हो चुका है ब्रीडिंग के लिए। तकरीबन 3 दिन पुराना है और इसने अब अंडे देने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये अपनी क्या लिखा हुआ है? ये हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ लगाई है ताकि हम इसका रिकॉर्ड रख सकें ये कब पैदा हुआ था। सही है। अच्छा, एक सेकंड दिखाएं जरा, इसको थोड़ी नजर मरवाएं, नहीं इस पे दिखाएं जरा,
ओके जी, ये अब आ गया हमारे पास बीटल, इसके अंदर एक लार्वा भी आपका। हाँ, वो गलती से हो गया, वो मैं निकाल दिया। सही है भाई। तो अब बीटल कितने दिन बाद अंडे देगा? ये तकरीबन अभी इसने अंडे देना शुरू कर दिया, तीन दे दिए शुरू। अच्छा ठीक है, और एक बीटल कितना अंडा दे रहा है? एक बीटल तकरीबन 400 से 600 अंडे देता है। 400 से 600 अंडे। हाँ जी। तो अब इसके अंदर कितना बीटल है? बीटल इसके अंदर 2000 बीटल है। 2000, ये यार ये तो कैलकुलेशन भाई बहुत ऊपर चली जाती है, समझ से बाहर है। कितना 2000 बीटल कितना अंडा दे देगा? 2000 बीटल मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, हर 10 दिन के बाद ना इनसे अंडों से भरा हुआ चोकर ना इनकी ट्रे से अलग कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं उसका छानना ब्रीक है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। बीटल रह जाए तो ऊपर, चोकर रह जाए तो नीचे। लेकिन अंडा कैसे अलग करते हैं? अंडा बिल्कुल नजर ही नहीं आता क्योंकि इतना बारीक होता है। अब हम उसके बाद के प्रोसेस पे जा रहे हैं कि अब उसका प्रोसेस होगा क्या? उसका प्रोसेस, उससे जो 10 दिन, हर 10 दिन के बाद ये जो बीटल की ट्रे होती है ना, इससे अंडों से भरा हुआ चोकर हम अलग कर लेते हैं और वो आ जाता है यहाँ। आ गया, ठीक है। वो ये अंडा कहाँ है इसमें? इसमें अंडा इतना बारीक है कि टूट तो नहीं जाएगा, आंखों से नजर ही नहीं आएगा ना टूटेगा। अंडे में वृद्धि होती है इसके? शायद होती हो, लेकिन वो माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन ये कितने दिन के? अभी ये तो बिल्कुल ताजा है ना, 13 तारीख का, यानी कि 3 दिन पुराना है। अब देखें वो ही ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा अंडा लगा हुआ है जितना, इसी के अंदर लार्वा तैयार हो रहा है। अच्छा, ये कितना टाइम लेगा यहाँ से लार्वे तक जाते जाते? ढाई माह लेगा। ये कितने सब ट्रेस आगे शिफ्ट करेंगे आप? ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी 20 दिन पुरानी ट्रेस है उसमें, ये देखें अब उसमें आपको छोटा छोटा लार्वा। ये तो फिनिशिंग के खाने के लिए रेडी हो चुका है। ये अगर इसको उठाएं, जरा ऊपर उठाएं, हवा में उठाएं, ये एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, बहुत ही छोटा है। ये फ्रेंचीज के खाने के लिए रेडी हो चुका लार्वा है ना? जी जी बिल्कुल सही है। अब ये तकरीबन ये कितने दिन का? 20 दिन का। ये 20 दिन का है। ये फ्रेंचीज और जावा के लिए, और किसके लिए? छोटे बर्ड्स के लिए, कैनरी के लिए, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। मछलियों के लिए ये उसके लिए साइज रेडी हो चुका है। अब आगे चलते हैं, हमारे जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे। अब ये देखिए, बड़ा खूबसूरत साइज है, आपको बड़ा मजा आएगा इसको देख के। ये देखें, ये तो जावा के लिए बहुत अच्छा है। जावा के इसे उठाएं जरा हाथ में, ये देखें, ये हमने किस चीज को चिपके हुए हैं? ये कद्दू हमने डाला है ना इनको वाटर। अच्छा, इसको खाना खा रहे हैं वाटर सोर्स का पूरा करने के लिए। देखें, ओए होए होए, ये कद्दू खा रहे हैं और साथ में गंदम का चोकर। सर ये तो अभी जितने भी आपके छोटे बर्ड हैं, देखें कितने मेरे हाथ पे लगे, कितने टाइनी ये आपको नजर आएंगे। ये अब ये तो आप अगर थोड़ा टेंशन में हो, हाथ पे रखो, गुदगुदी करते हैं, आपकी टेंशन भी रिलीज कर देंगे। बिल्कुल 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 सही है। आपके भाई ने दिखा दी यहाँ तक का प्रोसेस, अब आगे चल रहे हम अगला प्रोसेस। जी जी, ये देखें जी, ऐसे जैसे जैसे हम आगे आते रहेंगे इसका साइज बड़ा होगा। ये साइज थोड़ा बड़ा आ गया इसका, ये मेरे ख्याल है 2-3 दिन बड़ा होगा उससे। हाँ जी, ये तकरीबन डेढ़ महीने का हो गया। देखें, और भाई साहब ये तो अच्छे खासे बड़े हो गए हैं, लेकिन ये भी मेरा ख्याल है बड़े बर्ड्स फिंचेस का, ये फिंचेस बड़े शौक से खा सकती हैं अभी भी। अच्छा, ये क्या बीच में पड़ा हुआ है, लाइक ये चीज क्या है? ये देखें, अगर आप हल्की हल्की सी इनकी स्किन होती है, ये 10 से 12 दफा अपनी खाल उतारते हैं अपनी जिंदगी। 10 से 12 दफा खाल उतारते, मतलब मील वॉम उतारते हैं ना खाली। मील वॉम जैसे जैसे बड़ा होगा 10 से 12 दफा अपनी शेडिंग करके न्यू शेडिंग आएगी, न्यू स्किन आ जाएगी उसकी, जैसे बिल्कुल सांप की तरह होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मोल्टिंग करते हैं बेसिकली। सही है, ये भी मोल्टिंग सारी पड़ी हुई है। हाँ जी, ये मोल्टिंग पड़ी है। अब देखें, माशाल्लाह ये साइज बड़ा हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ जी, और ये रेडी है, ये ऑलमोस्ट रेडी, इस नहीं थोड़ा सा इससे आगे हम आते हैं, ज्यादा बड़ा जो रेडी साइज है वो वहां पे है। अब आगे जा। अच्छा, अभी देखें क्या एज हो गई है हमारे, ये ढाई माह का लार्वा हो गया। ये 2.5 माह का लार्वा हो चुका है, ये तैयार है अभी पूरा? हाँ जी तैयार है। इसको आप बेशक मुर्गियों को खिलाएं, मछलियों को, फिंचेस को, सब बड़े शौक से खाते हैं। भैया इसका ऑयल निकल रहा है, मैं आप लोगों को बताऊं, इसका ऑयल निकल रहा है और साथ साथ इसकी खाद बन रही है, साथ साथ इसका बॉडी बिल्डर्स वगैरह वो उसमें डाल रहे हैं, अपने खानों में घोड़े डाल रहे हैं। अब मेन मसला ये था कि यार हमने ले लिया, हमने ब्रीड भी करवा ली, हमने पाल लिया, लेगा कौन हमसे? बात तो सर ये है, जैसे प्यारे भाई मुझसे भी लोग ले रहे हैं, ये सब लोग फार्मर ही खरीद रहे हैं। कैसे आपसे फार्मर कैसे रब्ता कर रहा है? फार्मर मुझसे क्योंकि सोशल मीडिया पे ये इतना ज्यादा वायरल हुआ है प्रोटीन लार्वा, मतलब कि सारा एडवर्टाइजमेंट पे, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, बिल्कुल बेसमेंट में, दुनिया इतनी बड़ी, दुनिया की छोटी सी बेसमेंट में बैठे हुए हैं। हाँ जी, और ये पूरी लोग पाकिस्तान में करें क्योंकि उनको पता है ये इंडस्ट्री, लोग ढूंढते हुए आपको आ रहे हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एडवर्टाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती ज्यादा, लोग मुझे ढूंढते हुए। आज बंदा ऑस्ट्रेलिया से आया है स्पेशली, और वो उसने कम से कम जो है ना 10 मिलियन का प्रोजेक्ट लगाना है। सही है, ठीक है, उसने ऑलरेडी इसने पेमेंट वगैरह कर दी हुई है, अभी हमने उसको सीड सप्लाई करना है। इस वक्त सबसे बड़ी जो मार्केट है ना वो सीड की मार्केट चल रही है, ठीक है। लोग इस पे धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पता है, उन सबको पता है इंटरनेशनल मार्केट में इसका स्काई रॉकेट जा रहा है रेट, ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट किया ना,
तो ये तकरीबन 2 साल में इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी इंशाल्लाह, और फिर ये एक वक्त आएगा कि फिर हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन अभी जो है ना सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन खरीद रहे हैं इसको ताकि बड़े बड़े फार्म लगाए। फॉर एग्जाम्पल आप ये आज एक ट्रे का माल लेते हैं ना, ये तकरीबन आप ये 4 महीने के बाद 50 ट्रे बन जाएगी, एक ट्रे से 50 ट्रे बन जाएगी। वही 50 ट्रे अगले 4 महीने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर ले 50 से। इन्वेस्टमेंट वन टाइम है जी जी, एक टाइम आपने सीड एक दफा ही खरीदना है। ये अभी आपकी इतनी बजट पे होता है कि आप कितना माल खरीदना चाहते हैं। हाँ। आप पूरी ट्रे का माल खरीद लें, आधी ट्रे खरीद लें, थोड़ा खरीद लें, या अगर आपके ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और आप एक ज्यादा ही करना चाहते हैं बेशक पूरे रैक का माल खरीद लें। सर भाई एक पैकेज बना के दे रहे हैं, वैसे मिनिमम ये कहते हैं कि भाई 8 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करो ताकि बड़ी गेम पड़े, जरूरत ज्यादा है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो 1300 रुपए की ट्रे है ये, डन है जी जी बिल्कुल। सर जी 1300 रुपए की ट्रे और इसके अंदर 5000 रुपए का आप डालेंगे लार्वा जी जी, 5000 जिसके अंदर कितना लार्वा आएगा मेरे पास 500 लार्वा आएगा। उसको पालने में खर्चा कितना आएगा? 1 किलो चोकर और थोड़ा एक बाल जवानी तक। हाँ ना करो यार, नहीं नहीं वो फिर जैसे बढ़ते रहेंगे तो होए 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 यार लगा लो अल्लाह का नाम लेके 5-6 हजार रुपए यार, वैसे भी इतने इतने महंगे जाके बर्गर वर्गर खाते हो, खर्च लो 5-6 हजार रुपया, बाकी अल्लाह खैर करेगा। डन हो गया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके मिलके। अपना एड्रेस तो बताएं आपका। ये हम पीआईए रोड पे होते हैं फैसल फैब्रिक के पास, पीआईए रोड फैसल फैब्रिक, वहाँ पे कहाँ पे? वहाँ पे आप किसी से भी पूछ ले, पंजाब कमर्शियल एयर ब्लॉक सोसाइटी उधर प्लाजा नंबर 16 में। चलें डन हो गया।